हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देसूरी एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बाड़मेर के पत्रकार दुर्ग सिंह के विरुद्ध बिहार में किए गए झूठे मुकदमे के मामले में उपकंड अधिकारी हसमुख कुमार को प्रधानमंत्री के नाम अधिवक्ता हरीश सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकार दुर्ग सिंह के प्रकरण में जिस प्रकार से जल्दबाजी बाड़मेर के एसपी पुलिस अधीक्षक ने बताई है, यह उन्हें पूरे संदेह के घेरे में लाती है। पुलिस के पास पूरे जिले में सभी थानों में अनेकों प्रकार के अनेकों प्रकरणों में, उसमें भले 302 मर्डर केसेज हो, 376 के रैप केसेज हो, या और भी 307 जैसे बड़े बड़े प्रकरण हो, उन सभी प्रकरणों में गिरफ्तारी वारंट बहुत से पड़े रहते हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी नहीं होती। हमने ये पता भी लगाया है कि बाड़मेर एसपी साहब से जो जानकारी मिली है, उन्होंने कहा है कि पूरे बाड़मेर में अब तक 3000 गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं हुए हैं, उनकी तामील बाकी है, मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है। परंतु दुर्ग सिंह राजपुरोहित जो एक निष्पक्ष पत्रकार था, वो कोई अपराधी नहीं था, वो कोई आतंकवादी नहीं था, उसने कोई जघन्य अपराध 302 या 376 जैसे मामले में वो शरीक नहीं था, तो बाड़मेर पुलिस के द्वारा व्हाट्सएप पर गिरफ्तारी करके यहां से दुर्ग सिंह राजपुरोहित को गिरफ्तार करके पटना भेजना बाड़मेर पुलिस की संदिग्धता ये बताती है कि यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और दुर्ग सिंह के साथ अन्याय हुआ। दुर्ग सिंह जी जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है पत्रकार है और उनको षड्यंत्र में फंसाया गया है, उनको न्याय मिलना चाहिए, कुछ पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नाम आपको। देसूरी से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।